जिला पूर्ति अधिकारी तेजबल सिंह ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत खाद्यान्न का वितरण लाभार्थियों में शत प्रतिशत बायोमेट्रिक माध्यम से न करने वाले 5 सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता के चालान काटे। प्रत्येक सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं से 3,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला। वहीं सितारगंज पूर्ति निरीक्षक DS धामी ने बताया कि कार्य की समीक्षा निरंतर शासन स्तर, मंडल स्तर व जनपद स्तर पर की जा रही है व बायोमेट्रिक माध्यम से खाद्यान्न वितरण किए जाने की समीक्षा करने पर जनपद में तहसील स्तर पर कई विक्रेता चिन्हित किए गए हैं जिनके द्वारा संतोषजनक बायोमेट्रिक ट्रांजैक्शन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सितारगंज तहसील क्षेत्र में 5 सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने बायोमेट्रिक ट्रांजैक्शन के निर्धारित अत्यंत न्यून बायोमेट्रिक ट्रांजैक्शन किया गया है। सितारगंज से जफर अंसारी की रिपोर्ट। मान में राष्ट्रीय खाद्य योजना के अंतर्गत सभी राशन डीलरों को, कार्डधारियों को जब राशन वो वितरण करेंगे तो बायोमेट्रिक का प्रयोग करना है। जिन राशन डीलरों के द्वारा बायोमेट्रिक पद्धति का प्रयोग निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कम किया गया है उनके अगेंस्ट जिला स्तर पर कार्रवाई करते हुए 44 डीलरों पर जुर्माना किया गया है, प्रति डीलर 3,000 रुपये।